मैं ब्रजेश पांडे आप सबका केमिस्ट्री क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और एक्सेप्शन यानी केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री शो करते हैं तो वो ये दो कंपाउंड है जो काफी यानी ये समझ लीजिए कि काफी उसमें रहते हैं कंट्राडिक्शन में कि इनकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं दो मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपको कई बुक्स में जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे डिफरेंट भी मिल सकता है, मगर मैंने ये काफी स्टडी करके आप लोगों के लिए ढूंढ के बनाया है तो इसको आप ढंग से स्टडी करो और यही सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉपर NH3। कल हमने सिंपल और बेसिकली जो होते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड उनके हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री और उसके बारे में पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। एक चीज और कि आज के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मैं अभी CBSE के अंदर जो अपडेट्स हुए हैं CBSE ने प्लस टू के सिलेबस में और पेपर मेकिंग जो पेपर इस बार बनेगा किस टाइप से बनेगा उसके लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से पेपर को अपना डाउनलोड करके देख सकते हैं कि न्यू पैटर्न CBSE सैंपल पेपर का क्या है वो भी आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है चलो हम अपना क्वेश्चन करते हैं। कॉपर की बात करें कॉपर कितना होता है 29, आप देखना कितनी ज्यादा वेरिएशन आएगी, एक ही क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा मगर आपको समझना है। कॉपर क्या है 29 क्या हो जाएगा आर्गन 3D10 4S1। अगर मैं यहां देख रहा हूं अमोनिया का क्या होता है स्टूडेंट 0 तो कॉपर क्या हो जाएगा +2, इसका मतलब कॉपर क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आर्गन 3D9 4S0 और 4P0, एक S से निकला और एक इलेक्ट्रॉन कहां से गया D से। अब मैं इसी तरह जैसे हमने कल बनाया था अगर मैं वैसे ही बनाऊं तो क्या होगा और ये एक्सेप्शन क्यों अब स्टार्ट होने जा रहा है देखते जाइए, काफी इंटरेस्टिंग मजा आने वाला है आपको ये। अब जो फर्स्ट लुक में जिस बच्चे ने इसको पहले नहीं किया वो क्या कहेगा सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, चार लिगेंड है मेरे पास MPT 4 ऑर्बिटल पड़े हैं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी SP3। स्टूडेंट क्या कहेगा सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी SP3, मगर याद रखना ये गलत है SP3 नहीं होगी। अब अगला क्वेश्चन अराइज हो गया सर वाई, क्योंकि जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हैं तो कॉपर टेट्राअमीन कॉपर सेकंड जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसकी ज्योमेट्री क्या आती है स्क्वायर प्लेनर, वो कह रहा है ये स्क्वायर प्लेनर है, ये क्या है स्क्वायर प्लेनर है तो साइंटिस्ट कहते हैं अच्छा स्क्वायर प्लेनर है तो दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन आ गई DSP2 और SP2D। मैक्सिमम बुक्स में क्या लिखा हुआ है बेटा DSP2 हाइब्रिडाइजेशन, मगर ये भी सही नहीं है, क्यों नहीं है वो सब मैं डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करने आपको जा रहा हूं। चलिए DSP2 कैसे हो गया जो मैक्सिमम बुक्स कहते हैं पहले उसकी बात करते हैं, ये कंपाउंड आपका बन गया ये तो पॉसिबल नहीं, आप क्या करेंगे वो क्या कहते हैं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन कहां जम कर जाएगा हाइयर में, देखिए ध्यान से S और P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए ये हाइयर में D में चला P के अंदर चला गया और हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी जो आप पढ़ते आ रहे हैं DSP2। अब आप कहेंगे सर DSP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या हो गया पैरामैग्नेटिक, तो ये पहले भी था मेन था ज्योमेट्री, तो हम कहते हैं कि जो इसका एक डी का इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होके पी में चला जाता है और हमारे पास चार एम्प्टी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं जिसकी वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है DSP2। तो यहां तक ठीक है, मगर बाद में साइंटिस्ट आए बहुत ही विलियम्स हगिंस जो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया अकॉर्डिंग टू हगिंस, वो कहता है DSP2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी वो कहता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी SP2D होगी। अब वो कैसे होगी जरा थोड़ी देर देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब वो कहता है कि मान लो हम कहते हैं कि जो ये कह रहे हैं ये सही है, मगर अगर ये सही है तो जो कॉपर है हमारा कंपाउंड NH3 4 2 पॉजिटिव, ध्यान से देखिए अब इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया एक्साइटेड पी ऑर्बिटल में, अब इसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा, अब आपको पता है अगर किसी चीज की एनर्जी ज्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है बढ़ जाती है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव इस केस में जब इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट करके पी के लास्ट ऑर्बिटल में चला जाता है तो हायर एनर्जी की वजह से ये क्या हो जाएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा रिमूव कर देगा, तो ये कंपाउंड क्या करेगा ऑक्सीडेशन शो करेगा एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके
एंड गेट्स कन्वर्ट इनटू कॉपर NH3 का 4-3 पॉजिटिव। तो ये कंपाउंड इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बट अब क्या प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनिए। ऐसा जब हम एक्सपेरिमेंटल हगिंस कहता है कि जब हमने एक्सपेरिमेंटली इसको स्टडी किया गया तो हमने देखा कि ये कंपाउंड ऑक्सीडेशन शो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये भी नहीं हो रहा है। अच्छा ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड में नहीं जा रहा है। तो क्या करें, तो उसने कहा कि डी ऑर्बिटल अब क्या होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा, यहां पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहीं पड़ा रहेगा। मगर अब करें क्या, आउटर डी ऑर्बिटल हो तो वो क्या कहता है कि एक एस का, दो पी के और एक डी का, ये लेफ्ट कर देता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp2d स्क्वेयर प्लेनर, और याद रखना क्या, वन इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका नेचर क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक। तो बेटा काफी डिटेल है मैंने आपको बताया, ये काफी कंट्राडिक्शन है, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बुक इसको अलग अलग कहते हैं। अगर आप केवल मानते हैं कि हगिंस का कॉन्सेप्ट को नहीं मानते तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है जो मैक्सिमम बुक्स में लिखनी है। मगर अगर हम इसको स्टडी करें, क्योंकि ये जो बात कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाता है तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, रिएक्टिव हो जाएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन होके इसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए। मगर ऐसा एक्सपेरिमेंटल कहीं देखा नहीं गया तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसने एक्सप्लेन किया, तो इसकी सेकंड ऑप्शन क्या बचा, अभी मैंने आपको बताया था स्क्वेयर प्लेनर में या तो dsp2 होगा या sp2d होगा, तो यहां पे sp2d हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, ये भी काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट और डिफरेंट है, जब आप करेंगे तो इसका आंसर कुछ और ही देंगे, मगर ये उससे हट गया, क्यों है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा प्लेटिनम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेकंड। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। तो प्लेटिनम क्या होता है बेटा, 78, और इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा जिनोन 4F14 5D9 6S1, सबसे पहली बात की इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, एक्सेप्शन है। प्लेटिनम अपने आप में 3D9 6S1 आती है, मैक्सिमम बच्चे क्या लिखेंगे 4F14 6S2 5D8, मगर नहीं, याद रखना ये एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी मैंने वीडियो ऑफ बॉक की डाल रखी है, वहां पे आप इसको और ज्यादा स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा हुआ तो क्या होगा, मगर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो क्या होगा, x-4 = -2 और x = क्या हो जाएगा स्टूडेंट, +2। तो इसका मतलब प्लेटिनम क्या है +2 में क्या हो जाएगा, जीनोन 4F14 5D8 6S0 और 6P0। अब D के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं स्टूडेंट्स, आप कहेंगे 5, अब 8 इलेक्ट्रॉन है भर दीजिए, S का खाली पड़ा हुआ है, P एम्प्टी। अब जो कल तक जो मैंने वीडियो दिया अगर उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपका जवाब होगा सर इसमें मुश्किल क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर और टेट्राहेड्रल इसकी क्या है, ज्योमेट्री। मगर ऐसा नहीं है। अब आपने सर ऐसा क्यों नहीं, अभी तो कल आपने कहा कि cl क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। यस, cl क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, मगर फिर भी इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। ये क्या करता है इस केस में, क्लोरीन की वजह से नहीं हो रहा ऐसा, क्यों हो रहा है मैं अभी आपको समझाऊं, यहां पे पेयरिंग हो जाती है और पेयरिंग होने की वजह से ये क्या करता है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, एक्सेप्शन आ गया ना अपने आप। दूसरी बात, पहले ये क्या था, पैरामैग्नेटिक, अब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। कितनी इंपॉर्टेंट बात है समझ के चलिए, तो अगर जिस बच्चे ने इसे पहले नहीं कर रखा तो वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। अब आपके माइंड में आएगा सर चलो ये सारी बातें आपकी मान ली कि पेयरिंग कर दी ये हो गया, क्योंकि तो इसमें भी एक रूल है, इसके ऊपर मैं कल वीडियो वैसे डालने वाला हूं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी को जिस पे डिपेंड करते हैं। तो हम याद रखना, भी मैं छोटा सा इसके बारे में खाली बता रहा हूं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। जब हम फर्स्ट से थर्ड पे आते हैं याद रखना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों होती है सारा बेटा हम कल डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना याद रखिए कि प्लेटिनम जो है हमारा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में है, तो जब टॉप प्लेटिनम पे जाते हैं उसकी साइज की वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और आपको पता है अगर एनर्जी गैप ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से तो हम क्या कर देते हैं, उठा के पेयरिंग करते हैं। क्लोरीन की वजह से पेयरिंग नहीं हो रही, यहाँ पेयरिंग हो रही प्लेटिनम की वजह से। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है
कल हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड्स स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर, कौन कौन